सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी के लिए न्यू वीडियो हम यहाँ पर लेके आए। यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं जो आपका इंडियन नेवी के द्वारा जो न्यू रिक्रूटमेंट जारी हुआ है, जूसी के बारे में मैं आपसे बात करूँगा। आपको कैसे अप्लाई करना होगा, क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ पर होगा, ठीक है, आपको सैलरी कितनी मिलेगा, थोड़ी एक बात रहेगी, आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपका थोड़ी गलत बात होगी क्योंकि यहाँ पर डिफेंस से कोई भी प्लेस ऑफ पोस्टिंग परमानेंट आपका नहीं होता। ठीक है, फिर भी जो देगा वही मैं बताऊंगा। ठीक है, सो सब कुछ मैं वीडियो में बोल दूंगा। ठीक है, आप इस तरह से एंड तक वीडियो से जुड़ाइए और हमारा जो ऑफिशियल जो हमारा यूट्यूब चैनल है 24/7 जॉब इंटरव्यू, उनसे आप लोग हर रोज जुड़ाइए ताकि आपको रोज आपको सरकारी नौकरी से आपको जो नोटिफिकेशन आता है उससे आपको मदद हो सकती है। ठीक है, और प्लीज सब्सक्राइब एंड चैनल को लाइक कर देना। ठीक है, प्लीज चैनल को सपोर्ट करिए। चलिए मैं अब शुरू करता हूँ। पहले से आप सब एक बार देख ही सकते हैं आपका जो एक बार शॉर्ट जो SSC ऑफिसर होता है, जो SSC जो सर्विस कमीशन ऑफिसर इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका एग्जीक्यूटिव ब्रांच में आपका जो January 23 कोर्स पे आपका रिक्रूटमेंट जारी होता है। आप लोग देख सकते हैं आपका डेट होता है 5 अगस्त से लेकर आपका लास्ट डेट होता है ऑनलाइन एप्लीकेशन का 15 अगस्त। सो जल्दी से जल्दी आपको अप्लाई कर लेना चाहिए क्योंकि आपके पास बहुत कम ही दिन है अप्लाई करने का। 5 तारीख के सिर्फ 10 दिन दिए अप्लाई करने का, फिर भी एक बार 2 दिन चले गए, सबके पास 12 सबके पास 11-12 दिन है, उसमें आपको अप्लाई कर लेना। सो जल्द से जल्दी फॉर्म को भर के उसके बाद आपको अप्लाई कर लेना। पहले तो आप देख ही सकते हैं आपको जारी हो गया आपका जो इनवाइट एलिजिबल अनमेरिड मेल कैंडिडेट्स और वोमेन कैंडिडेट्स ग्रैंड शॉर्ट सर्विस कमीशन SSC IT जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो इंडियन नेवी अंडर स्पेशल नाभार ओरिएंटेशन कोर्स कमर्शियल January 2023 कोर्स पे आपको इंडियन नाभार अकेडमी जिसमें आपको केरला का आपका होगा, जो केरला में स्टेबलेशन वाइफ आपको केरला में आपका होगा। अब जैसे फुलफिल कंडीशन फॉर नेशनलिटी लेट डाउन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा? पहले आप देख सकते हैं आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा यहाँ पर डेली आपका ब्रांच क्रिएट क्या होगा, आपके SSC एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एबार आपको बॉन्ड देख सकते हैं, बॉन्ड शुड बी इंक्लूसिव 2 जनवरी 1998 से लेकर 2 जुलाई 2003 जो लोग बॉन्ड के वही लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन एलिजिबल स्ट्रीम कैसा है आपका, यहाँ पर कैंडिडेट से यहाँ पर मास्ट मिनिमम 60% मार्क्स रखना पड़ेगा इंग्लिश इन द क्लास 10 और 12 में, वन ऑफ द अनमेंशनड एजुकेशन क्वालिफिकेशन विल बी मिनिमम 60%। सो हर एक क्वालिफिकेशन 60% मार्क्स रखना पड़ेगा और ओवरऑल भी 60% मार्क्स रखना पड़ेगा। आइदर कॉम्बिनेशन फॉर द फॉलोइंग आपको MSc BTech MTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर सिस्टम साइबर सिक्योरिटी या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन कंप्यूटर नेटवर्क आपका डेटा एनालिसिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब और आपका MCA BCA BSc कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब में आपको कमिट करना पड़ेगा, यही आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। सो उसके बाद आएगा टोटल वैकेंसी आपके पास 50 वैकेंसी को जारी हुआ है, इसमें से आपको जेंडर मेल और वोमेन ही अप्लाई कर सकते हैं और आप लास्ट डेट देख सकते हैं आपको। सो जल्दी जल्दी से जल्दी आपको अप्लाई कर लेना चाहिए। उसके अंदर थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया है आप लोगों को मैं बताऊंगा, यहाँ पर नीचे देख सकते हैं आप लोग आपके पास दिस वैकेंसी टेंटिवली मे बी चेंज डिपेंडिंग अवेलेबिलिटी फॉर ट्रेनिंग स्लॉट। आपका जो रिक्रूटमेंट वैकेंसी आपका टेंटिव आपका इंक्रीज हो सकता है और आपका डिक्रीज भी हो सकता है ट्रेनिंग स्पॉट के टाइम, आपको उसकी चिंता मत कीजिए। आप लोग 10 भी वैकेंसी हो गए तो आप सोच सकते हो 10 में से आपका 9 नंबर आप हो सकते हैं। सो आप लोग उसकी चिंता मत कीजिए, आप लोग अप्लाई कर लेना शुरू कर दिए। उसके बाद आप देख सकते हैं आपको NCC कैंडिडेट्स NCC सर्टिफिकेट होगा उनके लिए रिडक्ट से 5% मिलेगा, कट ऑफ मार्क्स जितना भी होगा शॉर्ट लिस्ट जो SSC सब्जेक्ट का होगा NCC को यहाँ पर सर्टिफिकेट नेवी नावल आर्मी एयरफोर्स विंग मिनिमम बी ग्रेड और सर्वेड फॉर नॉट लेस देन 2 एकेडमिक ईयर सीनियर डिविजन नावल आर्मी एयरफोर्स विंग NCC। तो सी सर्टिफिकेट शुड नॉट बी डेटेड प्योर 1 जनवरी 2020। The final selection subject verification certificate issued by DGNCC consultant concerning its unit validity
candidates in the individual will be cancelled in the any stage and selection, training, post commissioning, जो इन केस फॉल्स डिक्लेरेशन मिस इंफॉर्मेशन कैंसिल कर दें इंफॉर्मेशन, अब कुछ भी गलती की फॉल्स इंफॉर्मेशन देंगे आपका फॉर्म आपका नौकरी भी लग जाएगा, आप इनकम भी पूरे सिलेक्ट हो जाएंगे और डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन आप अटक जाएंगे तो आपको पूरा बर्बाद हो जाएगा, आपको सिलेक्शन से आपको हटा दिया जाएगा। उसके बाद आपका जारी होता है, आप देख सकते हैं आपका उसका मेडिकल स्टैंडर्ड भी देख सकते हो, हाइट एंड वेट, टैटू, तो उसके ना रिक्वायरमेंट एस एस बी आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन, एप्लीकेशन दिस एंट्री गाइडलाइंस ऑफ मेडिकल स्टैंडर्ड अवेलेबल, इंडियन नेवी, इंडियन नेवी जो आपका वेबसाइट से है, वेबसाइट से आप लोग देख सकते हैं आपको क्या मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए या कितना वेट वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन है आप लोग इस वेबसाइट से आप लोग देख सकते हैं, आपका इलेक्सिमिल हाइट वेट टैटू वगैरह आप वेट सीट से सब लोग प्लीज सब लोग देखिए। नो रिडक्शन मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर एनी ग्रैंड ग्राउंड, ठीक है। चेंज द मेडिकल हॉस्पिटल सेंटर नॉट बी परमिसेबल अंडर एनी सर्कम, जो आपको दे जाएगा उसमें करना होगा नीचे हॉस्पिटल वगैरह। हु कैन अप्लाई, कैंडिडेट्स हु हैव ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इन द फाइनल ईयर, रेगुलर इंटीग्रेटेड, मिनिमम 60% मार्क्स, ये सीजीपी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, जो फाइनल ईयर भी कहने थे वो भी एक बार अप्लाई कर सकता है। ध्यान रहे द यूनिवर्सिटी ऑफ द अबव मेंशन शुड बी इनकॉर्पोरेटेड बाय एक्ट सेंट्रल स्टेट द्वारा इंडियन एजुकेशन इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिशमेंट एक्ट पार्लियामेंट डिक्लेरेशन द डिमांड यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी अंडर यूजी एक्ट, जो आई टी दे आप देख सकते हैं। हु हैव ऑब्टेन द डिग्री इंजीनियरिंग रेगुलर डिग्री 60% माई इक्विवेलेंट सीजीपी स्टेट अदर द फॉरेन यूनिवर्सिटी कॉलेज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, ठीक है। द यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूशन विल रिकॉग्नाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर्पस इंजीनियरिंग डिग्री सर्टिफिकेट एडमिशन दिस, आपको जो एक्ट आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका नो इक्विवेलेंस स्ट्रीम बी बीटेक अदर क्वालिफिकेशन मेंशन एट अबव टू पैरा वैलिड सिलेक्शन फॉर एनी स्टेप, तो स्टेप दे दिया कैसे क्या आपको हो सकता है। कैंडिडेट्स को सिलेक्टेड फाइनल मेरिट लिस्ट इंडक्शन सबमिट फिर प्रूफ फॉर कंपटीशन क्वालिफाइड डिग्री मिनिमम 60% मार्क्स ऑफ सेंडिंग मेल, आपको इसमें से आपको मेल कर देना होगा, ठीक है। फाइनल जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट सिलेक्शन विद रिक्वायर्ड सबमिट प्रूफ कंप्लीटिंग द क्वालिफाइड डिग्री, हाँ ठीक है। जो कैंडिडेट से पर मान लो जो कैंडिडेट से पर जिनका भी फाइनल उनका जिनका लास्ट सिम का रिजल्ट नहीं दिया है तो वो लोग का सिलेक्शन तो हो जाएगा बाद में, उसके बाद उनको मेल करके आप मिनिमम 60% मार्क्स सेंडिंग को मेल कर देना होगा इसमें, ठीक है, दिसंबर 22 के पहले। कैन फेलिंग मीट सेपरेट एडमिशन क्राइटेरिया परमिट जॉइन INA, नो कम्युनिकेशन विल बी इंटरनेट विद दिस रिगार्ड, ठीक है, पहले उन लोगों ने बता दिया है। उसके बाद यार बोल दे सिलेक्शन प्रोसीडियर, यहाँ पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा नॉर्मल मार्क्स ऑब्टेन फर्स्ट क्वालिफाइड डिग्री के द्वारा, क्वालिफाइड देख सकते हैं जो इस वेबसाइट से आपको मिल जाएगा, इसमें आपको PDF वगैरह सब कुछ आपका आपका है। बीबीए क्वालिफिकेशन का दे दिया है, फिफ्थ सेमेस्टर कंसल्टेड बाय SSB शॉर्टलिस्टेड कंप्लीटेड फाइनल ईयर, ठीक है। तो पोस्ट ग्रेजुएट भी कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है आप लोग बहुत देख सकते हैं। शॉर्टलिस्ट करके सिलेक्शन SSB इंटरव्यू थ्रू SMS मेल के द्वारा आपको आ जाएगा, आप सिलेक्शन हुए कि नहीं, ठीक है। चेंज SSB एग्जामिनेशन इंटरव्यू नॉट बी पार्टिसिपेबल होता, जो आपको दे जाएगा आपका हेड क्वार्टर होगा उसमें आपका मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा। आपके पास SSB इंटरव्यू के टाइम आपको AC 3 टायर का आपको फेयर इंटरव्यू पैसे भी मिल जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, सो आपको आएंगे तो आपका पैसा को मिल जाएगा। सो ये अब तो आपका हो गया है, उसके बाद ऐसा क्या हुआ आपका टेंशन कमीशन आपको यहाँ पर 10 आपको सिलेक्शन कैंडिडेट से भी ग्रांटेड 60 से 26 इनिशियल 10 ईयर्स एक्सटेंड में 4 ईयर्स टू 12 ईयर्स 2 ईयर्स प्लस 2 ईयर्स सब्जेक्ट फॉर द सर्विस रिक्वायरमेंट। अगर ट्रेनिंग कम्प्लीट करने के बाद आपको जो रैंक मिलेगा आपके इंटरव्यूज रैंक सब सब लिटरमेंट आपको सब लिटरमेंट मिल जाएगा आपका, जो कैंडिडेट से अंडर का 4 वीक्स नाफा ऑपरचुनिटी कोर्स भी कुछ है आपको जैसा देख सकते हैं कैसा क्या आपका दे दिया है पर इंस्ट्रक्शन द्वारा। प्रोफेशनल पीरियड भी रहेगा आपका द IT द 2 ईयर्स आपका प्रोफेशनल पीरियड रहेगा, आप प्रोफेशनल पीरियड कॉमर्स ग्रैंड रैंक व सब लिटरमेंट विल बी टर्मिनेट 2 ईयर्स ऑफ मिशन ट्रेनिंग विच विल द लेटर।
थोड़ा पहले पे वो सैलरी आप लोग देख सकते हैं, मुझे लगभग कई बार वो पे स्केल 10 आपको सैलरी मिल जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा सैलरी आपको मिलता है कि आपको देर पौने दो लाख सैलरी आपको मिल जाएगा यहाँ पर से। सब कुछ हाउ टू अप्लाई, कैसे क्या अप्लाई करना होगा, उसी के इस वेट से देखिए आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है, कैसे क्या करना होगा सब कुछ उसी के आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया, आप उसे देख सकते हैं। सो फॉर आपको जो डॉक्यूमेंट उनको स्कैन करके भेजिए, स्कैन नहीं भेजेंगे उसको आपका फोन रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। और अप्लाई ऑनलाइन स्कैन दिस कोड, इस कोड सो अप्लाई अप्लाई आपको स्कैन करके आपको देख सकता है कैसे क्या आपको अप्लाई करने का प्रोसीजर है, आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। सो आपका पीडीएफ और ऑफिशियल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हो। वीडियो कैसे लाइक कमेंट करके बताना, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना, हम रिप्लाई कर देंगे, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना, और ठीक है, और वीडियो दूसरे भी शेयर करना ताकि आपको हर रोज जॉब रिलेटेड आपको न्यूज़ मिल जाए, ठीक है। चलिए वेब चलते हैं, सबके लिए बेस्ट ऑफ लक, सब लोग घर से वापस कर देना, चलिए।